रेवोल्यूशन क्या होता है? हम यहां बहुत नारे लगाते हैं सोशलिस्ट इंकलाब के, हम रेवोल्यूशन की बहुत बात करते हैं, लेकिन हमें खुद पता है कि रेवोल्यूशन क्या होगा, रेवोल्यूशन क्या होगा, जब हुआ था तो क्या उसने किया था? जॉन रीड ने जो किताब लिखी थी दुनिया को झंझोड़ देने वाले 10 दिन, वो दुनिया कैसे झंझोड़ी गई थी? ये इंकलाब कैसे झंझोड़ता है दुनिया को? इंकलाब कोई मजाक नहीं है। और ये लोग जो आज इंकलाब की तजलील कर रहे हैं, ये जो शहबाज शरीफ हबीब जालब पढ़ रहे, ये जो अल्ताफ हुसैन एक गुंडा इंकलाब की बात कर रहे हैं, इंकलाब कोई हुकूमती तब्दीली नहीं होती, इंकलाब कोई इफ्तिखार चौधरी की फिल्म नहीं होती, इंकलाब कोई ड्रामाबाजी नहीं होती, इंकलाब कोई इस निजाम का एक थिएटर नहीं होता। इंकलाब तारीखें बदलते हैं, वक्त बदलते हैं, सोचे बदलते हैं, मैयार बदलते हैं, नफसियात बदलते हैं, इंसान बदलते हैं, तारीख बदलते हैं, और सबसे बढ़कर जोग्राफी बदलते हैं। इनकलाब समाज की कोख से उबर कर समाज को नीचे से लेकर ऊपर तक बदल देते हैं। ना ये रियासतें रहती हैं, ना ये अदालतें रहती हैं, ना ये पार्लियामेंट रहती हैं, ना ये फौज रहती है, ना ये हुक्मरान रहते हैं, ना ये इस निजाम का एक जर्रा बचता है। इंकलाब झंझोड़ देता है। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में इंकलाब हो तो हिंदुस्तान न बदले, अफगानिस्तान न बदले, ईरान न बदले? वो वक्त चला गया जब इंकलाब रूस की खबर बरे सगीर में 2 हफ्ते बाद पहुंची थी कि रूस में इंकलाब हो गया। अभी तो इंकलाब हम लोग टेलीविजन पे देखते हैं, हमने मिस्र के इंकलाब टेलीविजन पे देखा है, हम चिली के इंकलाब को भी टेलीविजन पर देख रहे हैं, हम आज इंकलाब जहां हो रहा होता है लाइव नशर होता है। और जब इंकलाब लाइव नशर होने शुरू हो जाए और एक इंकलाबी पार्टी की क्यादत में हो, तो ये टेक्नोलॉजी जिसको हुक्मरान हमें गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये टेक्नोलॉजी उन्हीं की मौत बन जाती है।